नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ऑनलाइन ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से प्लस सिंबल और एक सर्किल की हेल्प से डॉक्टर बाबा साहब जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से पहले एक प्लस सिंबल बनाना होगा, फिर बीच से आपको एक सर्किल ऐसे आसानी से बनाना होगा। फिर ध्यान से देखिएगा, आपको दोस्तों इधर से एक हाफ सर्किल बनाना है, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी अंदर की तरफ बढ़ाइएगा। हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए इधर से आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा। फिर गाइस, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा, इधर से भी आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद बहुत ही आसानी से आप ऊपर की तरफ एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक छोटी सी लाइन इधर ऐसे बढ़ाइएगा, आसानी से आपको ऐसे डबल करना होगा। डबल हो जाने के बाद इधर से इधर हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ ले जाइएगा। फिर गाइस, आपको एक लाइन यहाँ से भी ऐसे ड्रॉ करना होगा, इस लाइन से अंदर की तरफ आप बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद दोस्तों, आपसे हमारा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको पता है बाबा साहब जी का माता और पिता का क्या नाम था, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, हल्का सा बाहर की तरफ करते हुए इसको अंदर की तरफ करेंगे, इधर भी आप अंदर की तरफ ऐसे कर दीजिएगा। फिर गाइज, आपको एक लाइन यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाना होगा, बीच से एक लाइन हल्का सा तिरछा करते हुए इधर आप बढ़ाएंगे, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा, एक लाइन आपको इधर यहाँ पर बढ़ाना होगा, इधर से भी आप ऐसे आसानी से डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद इधर हम ऐसे मिला देंगे, यहाँ पर भी ऐसे मिलाइएगा। आपको इनका सूज बनाना होगा, नीचे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पर ऐसे मिलाइए, छोटी सी लाइन इधर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसे आप मिला दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है, आगे की तरफ इधर बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसे बढ़ाइए, छोटी सी लाइन इधर, एक लाइन आपको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना है, फिर बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको इधर ऐसे मिलाना होगा, फिर से एक लाइन इधर बढ़ाइएगा, एक छोटी सी लाइन इधर भी बढ़ाना होगा, यहाँ पर भी आपको ऐसे डबल करना होगा। और गाइज, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इधर से बढ़ाइए, यहाँ पर बढ़ाइए। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से बाहर की तरफ करिए, फिर से अंदर, यहाँ से छोटे छोटे बहुत ही छोटा सा 3 नंबर लिखिएगा, इधर से एक बार बढ़ाएंगे, अंदर की तरफ कर दीजिएगा। जब आप अंदर की तरफ कर लेंगे, ये जो हमने सर्किल बनाया है इसको आप आसानी से डार्क कर दीजिएगा। इधर से भी हम ऐसे डार्क करेंगे। और गाइज, आगे के साइड में आपको छोटे छोटे ऐसे बॉक्स बनाने होंगे। अभी हम आपको इसको जब कलर करेंगे तब आप यहाँ पर बनाना सिखा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इधर दोस्तों इस लाइन की हेल्प से हम एक छोटी सी लाइन यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। जब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इधर से आपको यहाँ से इस हल्का सा ऊपर की तरफ करिए, इधर से यहाँ पर ऐसे बढ़ाइए। फिर गाइस, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट करने के बाद हल्का सा अंदर की तरफ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए, सेम आप इधर भी हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। ऊपर के साइड में आपको करना क्या होगा, हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ से ऐसे बढ़ाइए, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा, ये हो जाएगा। और दोस्तों, आपको यहाँ पर संविधान लिखना होगा, नीचे के साइड में आप आसानी से जय भीम लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम जल्दी से ये वाला चक्र बना लेते हैं। इस चक्र को क्या कहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं और कलर भी करना हम सीख लेते हैं।